ओम श्री गुरुवे नमः। नमस्कार। करियर में सफलता चाहते हैं, काम में मन नहीं लगता, असफलता बार बार आपको निराश करती है, जीवन में रिस्क लेना भारी लगता है, आपकी कमियां आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही हैं, तो आप अपने जीवन में सफलता प्राप्ति के लिए श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिए गए ज्ञान को और उन सूत्रों को अपनाएं, निश्चित ही सफलता आपके कदम चूमेगी। आइए जानते हैं गीता के सिद्धांतों पर आधारित कुछ अचूक टिप्स। नंबर एक, असफलता से सीख लेकर सफल होना। गीता में कहा गया है कि जो कुछ हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है अच्छे के लिए ही हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। इसका मतलब है कि अगर आपको असफलता मिलती है तो उसके पीछे भी कहीं ना कहीं आपके सफलता का एक राज छिपा हुआ है, बस आवश्यकता है उस छिपे राज को जानने या समझने की। आप ज्यों ही अपनी असफलता का कारण जान लेते हैं और उसे दूर करने का उपाय करते हैं, सफलता अनायास ही आपके समीप आ जाती है। इसीलिए किसी भी परिस्थिति में घबराए नहीं और हमेशा संतुष्ट और सकारात्मक सोच रखें। सेकंड, अपने काम पर विशेष रूप से ध्यान दें। जीवन में अक्सर ऐसा होता है कि हम किसी भी काम को करने से पहले उससे मिलने वाले फल की चिंता करने लगते हैं। इस वजह से जिस समय हमें काम पर फोकस करना चाहिए उस समय हम उसके रिजल्ट पर फोकस करते हुए उस काम को पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ नहीं कर पाते। नौकरी पेशा वाले या फिर व्यवसाय करने वालों को चाहिए कि वे रिजल्ट के बारे में ज्यादा सोचने की बजाय अपने काम पर ध्यान दें। यह एक प्राकृतिक नियम है कि यदि आप काम पर ज्यादा फोकस करेंगे तो उसका रिजल्ट भी आपके लिए बेहतर ही होगा। अतः फल की चिंता किए बगैर हमें अपने काम को लगन और ईमानदारी से करना चाहिए। थर्ड, परिवर्तन प्रकृति का शाश्वत नियम है। परिवर्तन ही विकास का सूचक होता है और यह प्रकृति का शाश्वत नियम है। अपनी नौकरी या व्यवसाय में हुए छोटे बड़े बदलावों से या तो हम आहत होते हैं या फिर घबरा जाते हैं, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि बदलाव प्रकृति का नियम है जो हर परिस्थिति में होकर ही रहेगा। आपकी सफलता मुख्य रूप से इस बात पर निर्भर करती है कि आप किसी भी तरह के बदलाव के लिए अपने आप को मानसिक रूप से तैयार रखें। अगर आपने इन हालातों के लिए खुद को पहले से ही तैयार कर लिया है तो आपको सफलता हासिल करने से कोई रोक नहीं सकता। फोर्थ, किसी भी परिस्थिति में भयभीत ना हो। किसी भी क्षेत्र में सफल और असफल व्यक्तियों के बीच फर्क सिर्फ उनके काम करने के तरीके से ही पता चलता है। अगर आप किसी काम को करते हुए डरते हैं तो आप किसी भी हालत में सफल नहीं हो सकते। अपने क्षेत्र में सफल होने के लिए जरूरी है कि आप पहले डर पर काबू करना सीखें। बिना ऐसा किए आप अपने क्षेत्र में बेहतर नहीं कर सकते। ध्यान रखिए, डर और चिंता किसी भी सफल व्यक्ति के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। फिफ्थ, किसी भी काम को कर्तव्य समझकर करें पर उससे मानसिक रूप से अटैच ना हो। किसी कार्य को करते समय व्यक्ति उससे मानसिक रूप से अटैच हो जाता है, क्योंकि किसी चीज से जुड़ाव महसूस करना मानवीय स्वभाव का हिस्सा है। लेकिन कई बार हमारा यही लगाव हमारे असफल होने की वजह बन जाता है। उदाहरण के तौर पर अगर हम किसी एक नौकरी या ऑफिस में लंबे समय तक काम करते हैं तो वहाँ के लोगों से हमारा जुड़ाव निश्चित है। लेकिन अगर हमें अपने करियर में तरक्की करनी है तो हमें समय दर समय अपनी नौकरी या काम करने के तरीके में बदलाव करना होगा। बिना इसके हम स्वयं को सफल नहीं बना पाएंगे। हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि किसी चीज या जगह से जरूरत से ज्यादा लगाव हमारे लिए अधिकतर खतरनाक ही साबित होता है। सिक्स्थ, अपने क्रोध पर नियंत्रण करना सीखें। अपने ऑफिस या व्यवसाय में कार्य करते समय कई ऐसे मौके आते हैं जब हम
लालच और क्रोध के शिकार हो जाते हैं। गुस्से की वजह से हमें जीवन में कितना नुकसान उठाना पड़ता है, इसका अंदाजा लगाना बड़ा मुश्किल होता है। इसमें कोई दो राय नहीं कि यदि आपने इन दो प्रवृत्तियों गुस्सा और लालच पर नियंत्रण पा लिया तो आपको अपने जीवन में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए आपको हमेशा इन दो चीजों से बचकर रहना चाहिए। अधिक लालच एक तरफ जहां आपको बहुत नुकसान करा सकता है, वहीं जरूरत से ज्यादा गुस्सा आपको किसी बड़ी मुसीबत में भी डाल सकता है। 7th, सकारात्मक सोच रखें। व्यक्ति की सफलता में उसके सकारात्मक सोच की बड़ी भूमिका होती है। किसी भी सफलता के पीछे सकारात्मक सोच सफलता प्राप्ति की पहली कड़ी होती है। उदाहरण के लिए, अगर आपकी सोच सकारात्मक है तो आप खुद को बुरे से बुरे वक्त में भी सकारात्मक बनाए रखेंगे। इससे आपको उन बुरे दिनों में भी अपने काम को बेहतर तरीके से करने और उसका सही परिणाम प्राप्त करने में 100% सफलता मिलेगी। लेकिन यदि इसके विपरीत अगर आपकी सोच नकारात्मक है तो आपके तमाम प्रयासों के बावजूद भी आपको सफलता नहीं मिलेगी। इसीलिए हमेशा अपने दिमाग में यह बात रखें कि आपकी सफलता में आपकी सोच एक बड़ी भूमिका निभाती है। 8th, विषम परिस्थिति में शांत चित रहने की कोशिश करें। जीवन की आपाधापी और निरंतर आगे बढ़ने की इच्छा से मन कभी कभी बड़ा अस्थिर सा हो जाता है। मन को शांत रखने में ध्यान की महिमा अभूतपूर्व है। यह एक दवा की तरह काम करता है, इसीलिए थोड़े देर तक ध्यान करने की आदत डालनी चाहिए। गीता में ध्यान करने के लिए रोजाना निकाले जाने वाले समय को किसी की सफलता के लिए काफी अहम बताया गया है। गीता के अनुसार अगर आप रोजाना के काम से थोड़ा समय निकालकर कुछ मिनट ध्यान करते हैं तो यह आपके लिए काफी फायदेमंद होगा। इससे आपके दिमाग को शांत करने और अपने काम को दोबारा बेहतर तरीके से शुरू करने में बहुत मदद मिलती है। इससे हमारे जीवन में संतुलन बना रहता है। 9th, दुविधा से दूर रहें। कुछ लोगों की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है दुविधाओं में रहने की। वे अक्सर ऐसा सोचते रहते हैं कि मैं यह काम करूं या ना करूं। वे यह निश्चय ही नहीं कर पाते कि उन्हें कौन सा काम करना चाहिए और कौन सा नहीं, या फिर किस वक्त कौन सा काम करना चाहिए। दुविधा में रहना कई बार व्यक्ति के लिए काफी नुकसानदायक साबित हो सकता है। गीता में बताया गया है कि यदि आपके दिमाग में किसी काम को लेकर दुविधा है तो उस काम को कभी नहीं करना चाहिए। यदि बलपूर्वक आप ऐसा करते हैं तो उस काम में आपको सफलता मिलने की संभावना काफी कम होती है। इसीलिए जीवन में हमेशा दुविधाओं से बचने की कोशिश करनी चाहिए। 10th, अपना लक्ष्य हमेशा बड़ा रखें। जीवन में अपना लक्ष्य हमेशा बड़ा रखना चाहिए। कहते हैं कि अगर आप सूर्य को संधान करने की कोशिश करेंगे तो भले ही आपका तीर सूर्य तक ना पहुंचे, लेकिन आपका तीर बहुत ऊंचाई तक अवश्य पहुंचेगा। गीता के कुछ श्लोक में यह बात बताया गया है कि किसी भी सफल आदमी के पीछे उनकी सोच तथा लक्ष्य का अहम रोल होता है। यदि आपका लक्ष्य बड़ा है तो आप अवश्य ही जीवन में कुछ बड़ा कर पाने में सक्षम होंगे, लेकिन लक्ष्य ही अगर बहुत छोटा हो तो आपका प्रयास भी उसी हद तक होगा। इसीलिए जीवन में हमेशा कुछ बड़ा करने की सोचें और उसके अनुरूप काम करें। अपने बड़े लक्ष्य को हासिल करने में आपके सामने कई तरह की दिक्कतें आएंगी, लेकिन आपको इन सब को नजरअंदाज करते हुए अपना काम करते रहना चाहिए। तो यह थी श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार अपने जीवन को सफल बनाने की कुछ महत्वपूर्ण टिप्स। अगर आप भी चाहते हैं कि अपने जीवन तथा करियर में 100% सफलता की गारंटी प्राप्त हो तो इन बातों पर अमल कीजिए और फिर देखिए उसका परिणाम। निसंदेह जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता आपके कदमों में होगी।
उम्मीद करता हूँ कि आपको दी गई जानकारी जरूर अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में श्रीमद् भगवद गीता की जय अवश्य लिखें। इसके साथ ही वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक मैं विवेक कुमार श्रीवास्तव आपसे विदा चाहूँगा। धन्यवाद।